वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग लो, दिस इज मंजुला सिंह ब्यूटी एक्सपर्ट। और नया दिन, नई सुबह, नया वीडियो, सब कुछ नया है तो क्यों ना सीरीज भी नया ही होना चाहिए। आज मैं फिर से एक नया सीरीज, नया चैलेंज लेकर आई हूँ जो सितंबर मंथ के लिए है। सबसे पहले मैं इस सीरीज की, इस जो चैलेंज है उसकी स्पेशलिटी बता दूँ, उसकी खासियत बता दूँ। अब तक मैंने जितने भी सीरीज, जितने भी चैलेंजेस आपको दिए हैं, उसमें सबसे सक्सेसफुल रहा है मेरा जो 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज है। उसमें बस एक ही रेमेडी था, इनफैक्ट दो रेमेडी थे, कंडीशनर था, एक मास्क था, और उसी एक रेमेडी से आप लोगों के इतने ज़्यादा फीडबैक मेरे पास आए। और उसके अगर वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको मैक्सिमम 95% फीडबैक आपको पॉजिटिव मिलेंगे। उसी को देखकर मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसी का नेक्स्ट लेवल बनाऊं। यानी किसी भी चीज़ के नेक्स्ट लेवल का मतलब होता है कि उससे भी ज़्यादा बेटर। तो मैंने ये सोचा कि 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज को ही कंटिन्यू करूं। आज एक साल बाद, ठीक एक साल हो गए उस वीडियो को, इनफैक्ट 1.5 साल हो गए, तो मैंने सोचा कि उसी का नेक्स्ट लेवल मैं बनाऊं, ऐसा एक चैलेंज बनाऊं, ऐसा मैं सीरीज आपके लिए दूं जो उससे भी ज़्यादा उसका रिजल्ट अच्छा हो। उसमें तो सिर्फ एक मास्क था, लेकिन इसमें आपको हेयर मास्क होंगे, आपके स्प्रे होंगे, आपके लिए डाइट होगा, फूड होगा, एक्सरसाइज होंगे, आपके रूटीन होगा। मैं जब भी कोई सीरीज या चैलेंजेस बताती हूँ उसके नीचे आप लोग अक्सर कंप्लेन करते हो कि आपने रूटीन नहीं बताया कि किसको कब लगाना है, ऑयल को कब लगाना है, या मास्क को कब लगाना है, कितनी बार वीक में लगाना है। तो ये शिकायत आपकी मैं इस वाले सीरीज में दूर कर दूंगी। मैंने ऑयल, मास्क, स्प्रे, फूड सब बता चुकी होंगी, सब डन हो जाएंगे। उसके बाद मैं उसका रूटीन बता दूंगी कि आपको ये सारी चीजें कब और कैसे लगानी है। इनफैक्ट मैं आपको एक परफेक्ट हेयर केयर रूटीन बनाऊंगी, अल्टीमेट हेयर केयर रूटीन बताऊंगी, इससे आपके बाल हमेशा ही हेल्दी रहेंगे। तो चलिए, आज ये इस 15 डेज हेयर को चैलेंज का, इस लेवल का ये पहला वीडियो है। तो आज मैं आपको एक ऐसा हेयर मास्क बताने जा, ऐसा परफेक्ट हेयर मास्क बताने जा रही हूँ जिससे ना सिर्फ आपके हेयर फॉल इमीडिएटली रुक जाएंगे, बल्कि आपके हेयर की रीग्रोथ भी होगी। जो भी बाल पिछले के कुछ मंथ्स में आपके हेयर फॉल हुए हैं, बाल गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि इस वाले हेयर मास्क से कुछ हो या ना हो, आपके हेयर फॉल पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए और साथ ही साथ आपके बालों की रीग्रोथ भी हो जाए। और लेंथ तो बढ़ेंगे, वो तो बोनस है, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बताती हूँ कि इस हेयर मास्क को कैसे क्रिएट किया जा सकता है और उसको आपको किस तरह से लगाना है। आज ये इसका पहला एपिसोड है, तो दो स्टेप में आप अपने बाल ग्रोथ कैसे बहुत ही ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना हेयर फॉल भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए मेरी तैयारी क्या है, वो मैं बता दूं। मेथी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, आप सबको पता है। तो ये मैंने ओवरनाइट मेथी सोक किया है। ये दो स्टेप में होगा, अभी का जो ये रेमेडी है 2 स्टेप में ये आप अपने बालों को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, लॉन्ग और थिक कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून मेथी लिया, रात को भिगो दिया, सुबह सुबह उठकर इसको मैंने थोड़ी देर बॉईल कर दिया 2 मिनट तक। अभी 10 बज रहे हैं, अब ठंडा हो चुका है और अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मेथी का जो ये उबला हुआ पार्ट है उसका तो मैं पेस्ट बनाऊंगी, मास्क बनाऊंगी, लेकिन ये जो आपका पानी निकला है ये होगा आपका आज का हेयर स्प्रे रिंस। तो इसको हम अलग एक स्प्रे बॉटल में भर के रखेंगे और दूसरा इस मेथी का पेस्ट बनाएंगे। कि मेथी वाटर को इस तरह से स्ट्रेन कर लिया है, उसको मैं इस तरह से भर दूंगी एक स्प्रे बॉटल में और ये आपका हेयर रिंस रेडी हो गया। इसको चाहिए तो आप शैम्पू के पहले भी लगा सकते हैं, जिस दिन आपको कुछ भी समझ में ना आए बस इसको आप बालों में स्प्रे कीजिए, 1 घंटे के लिए लगा हुआ छोड़ दीजिए, जड़ से सिरे तक स्प्रे करना नहीं भूलिए, उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। आपके बाल बहुत ही ज्यादा मजबूत होंगे, आपके हेयर ब्रेकेज की शिकायत नहीं होगी और बालों के जो जड़ हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है जिसको मैंने पहले कंप्लीट किया। तो ये आपका हेयर रिंस रेडी है। तो ये देखिए मेथी, इसको मैंने भिगोया और बॉईल किया, उसको मैं सबसे पहले मिक्सर में डालूंगी। तो ये 2 टेबलस्पून जो भिगोया हुआ मेथी है वो मैंने सबसे पहले डाला। और ये देखिए फ्रेश एलोवेरा जेल है, ये आप देख के पहचान गए होंगे कि इसको मैंने डायरेक्टली लीव से निकाला है। इसके साथ हम इसको ऐड करेंगे और ये कुछ हिबिस्कस के पेटल्स हैं जिसकी हालत फिर से खराब हो गई है क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था। आप लोग कोशिश कीजिएगा बिल्कुल फ्रेश पेटल्स को तोड़ कर ला कर डालने का। ये 2 फ्लावर का है लेकिन पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, प्रिपरेशन पहले से करती हूँ, इस वजह से मुझे फ्रिज में रखना पड़ता है और उसके बाद इसकी ये हालत हो जाती है। और अभी मैं अपने गार्डन में जाके देख रही हूँ तो वहाँ पे फ्लावर नहीं है, तो मजबूरी में मुझे इसी को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यानी आपको 2 हिबिस्कस के फ्लावर के पेटल्स लेने होंगे और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेना है वो है ये अनियन, कटा हुआ अनियन, ज़्यादा नहीं बस 3-4 लेना है। जिनको भी अनियन सूट नहीं करता वो इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट तो आपके हो गए, अब इसका हम पेस्ट किस में तैयार करेंगे यानी हम लिक्विड क्या यूज़ करेंगे, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अनियन में भी जूस होता है, एलोवेरा जेल जब ग्राइंड होता है तो वो भी वाटर फॉर्म में आ जाता है, तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई पानी वानी मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ा तो जो हमने ये मेथी वाटर रेडी किया है स्प्रे के लिए उसको थोड़ा सा आप ऐड करके इसका मिक्सचर बना सकते हैं।
ये देखिए हमने मेथी एलोवेरा अनियन का पेस्ट इस तरह से रेडी कर लिया है। हिबिस्कस की वजह से इसका कलर बहुत ही सुंदर आएगा, अगर आपका हिबिस्कस बहुत ही सही कंडीशन में होगा तो, मेरी तरह नहीं। तो ये पेस्ट बन गया है, इसको अप्लाई किस तरह से करना है वो मैं बता दूं। इसको कोशिश कीजिए जड़ से सिरे तक लगाने का, पतली सी लेयर ही लगाइए तो बहुत ज्यादा आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो इसको अगर हेयर रूट्स पे भी लगाते हैं तो इसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली इसका काम है हेयर लेंथ को प्रमोट करना। आपके जो हेयर की रीग्रोथ है वो इस पैक से होगा, साथ ही साथ हेयर की लेंथ बढ़ेगी बहुत ही ज्यादा और थिकनेस भी बढ़ेगा। सारे इंग्रेडिएंट में किसी का रिप्लेसमेंट अगर आपको करना है तो आप अनियन को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी हर्बल पाउडर से, या अनियन को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। बाकी के जो इंग्रेडिएंट है उसको एज इट इज रहने दीजिए। इसको अप्लाई कीजिए वीक में कम से कम दो बार, के बाद जो आपके हेयर की ग्रोथ होगी, जो लंबाई बढ़ेगी, वो आपको विजिबली उसका इफेक्ट एक वीक के अंदर ही दिखाई देगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की इसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। इसमें हमने ऑयल नहीं डाला है, तो सबसे पहले आपको ऑयलिंग करनी है, उसके बाद ये वाला मास्क लगाना है, 1 से 2 घंटे तक छोड़ देना है, उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश के बाद जो मैंने अभी फेनुग्रीक वाटर आपको दिखाया उसको एज अ हेयर रिंस लगाकर छोड़ देना है, थोड़ा सा मसाज करना है, प्लेन वाटर से धो लेना है। एक चीज और मैं बता दूं कि हेयर मास्क लगाने के बाद जो ये मेथी अनियन हेयर मास्क था उसके बाद आप शैम्पू लगाना ही लगाना है, और रिंस ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो करें, नहीं मर्जी हो तो नहीं करें, क्योंकि मेन ये जो पार्ट है आज का डे है उसके लिए मास्क जो है वो है इम्पॉर्टेंट, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए है, वो ऑप्शनल है। दूसरी बात कि इसमें रिप्लेसमेंट आप किसी भी चीज का ना करें तो अच्छा होगा। अनियन आप हटा सकते हैं, अनियन को मैंने हेयर फॉल के लिए डाला है, वो आपको अगर जरूरत नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावर आपके पास नहीं हो तो हिबिस्कस जो पाउडर है वो यूज कर सकते हैं। एलोवेरा फ्रेश आपके पास नहीं हो तो एलोवेरा जो भी मार्केट वाला है वो आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फेनिग्रीक का पेस्ट नहीं बनाना है, पाउडर आपके पास है तो पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाउडर यूज करेंगे तो फेनिग्रीक वाटर रेडी नहीं होगा और ये हेयर रिंस आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि आप एग्जैक्टली मैं जिस तरह से बता रही हूँ उसी तरह से एप्लीकेशन करें तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट वही आएगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ये वाला हेयर मास्क आपको इस वीक 3 दिन लगाना है या फिर कम से कम 2 दिन तो जरूर लगाएं। और ये काम मैं करूंगी कि आप लोग शैम्पू के बारे में बहुत ही कंफ्यूज हो, कोई भी अच्छा से अच्छा हेयर मास्क भी वेस्ट हो जाता है अगर अच्छा शैम्पू आप उसके साथ यूज ना करें। तो अगला वीडियो हो सकता है एक शैम्पू के ऊपर, वो वीडियो आप देखिए, एक अच्छा सा शैम्पू मंगवाइए और उसके बाद आप इस वाले चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद इसको शुरू कीजिए। पहले पूरा सीरीज देख लीजिए, हेयर केयर रूटीन देख लीजिए और उसके बाद परफेक्ट शैम्पू या जो भी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है उसको मंगा लीजिए, अपने पास रख लीजिए और उसके बाद एक डायरी में अच्छी तरह से पूरा शेड्यूल लिख लीजिए और उसके बाद से ये वाला चैलेंज शुरू कीजिए। क्योंकि इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहती हूँ, कि इस बार मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट मिले कि मेरे बालों पे इसका फायदा ना हुआ। 99% नहीं, मैं 100% रिजल्ट चाहती हूँ। इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाली और मैं एक परफेक्ट हेयर केयर रूटीन बनाकर आपको दूंगी, एक परफेक्ट चैलेंज, एक परफेक्ट सीरीज होगा जो 15 डेज है वो चैलेंज होगा। इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी होगा, ये सिर्फ 2 वीक का होगा लेकिन इतना ज्यादा अच्छा होगा कि आपके बालों में इसका रिजल्ट फर्स्ट वॉश से ही दिखाई देगा। इस वीक 2 हेयर वॉश आपको करने हैं, आपको पूरे 15 दिन में मुश्किल से 5 दिन ही हेयर वॉश करना है और उसी के बाद आपके बालों में लेंथ जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और 15 डेज के लिए मुझे देखना है कि ये जो नेक्स्ट लेवल मैंने डिसाइड किया है ये नेक्स्ट लेवल आया कि नहीं, यानी इसका फायदा आपको पहले वाले 15 डेज है वो चैलेंज से ज्यादा हुआ कि नहीं। होप करती हूँ कि इस चैलेंज को आप सब एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले ये पूरा का पूरा सीरीज देख लीजिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। इसमें आपको एक हेयर ऑयल मिलेगा, एक हेयर मास्क मिलेगा, एक हेयर स्प्रे मिलेगा और एक परफेक्ट हेयर केयर रूटीन आपको मिलेगा, एक परफेक्ट शैम्पू का सजेशन आपको मिलेगा, एक शैम्पू नहीं ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, और दूसरे कि आपको फूड डाइट सब कुछ अपडेट है इस वाले सीरीज में। तो आप पहले पूरा सीरीज अच्छी तरह से देख लीजिए और एक परफेक्ट हेयर केयर रूटीन आप अपना सेट कीजिए, उसके बाद ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। शुरुआत आज हमने कर दिया है, इस वाले हेयर मास्क को देखिए, बनाइए और उसको अप्लाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, अगर कुछ नहीं है तो आप मंगा सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको बहुत ही इजियर बना के रखूं, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। होप करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर शेयर करने में कंजूसी करते हैं, तो जैसे मेरे 5000 लाइक्स की जो मेरी डिमांड है वो अभी तक पूरी नहीं हो रही है, पता नहीं कब आप लोग पूरा करेंगे, तो चलिए देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। जरूर कीजिए लाइक, जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए। 1 घंटे तक मैं ऑनलाइन रहती हूँ अपना वीडियो अपलोड करने के बाद, तो कोशिश कीजिए उसी 1 घंटे में अपने सारे सवालों की बारिश करने का, आपको इमीडिएटली उसका आंसर मिल जाएगा। 1 से 1.5 घंटे में जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसके आंसर आपको तुरंत इमीडिएटली मिलेंगे, ताकि आप फिर से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे केयर एंड बाय बाय।